आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेते हुए समाजवादी पार्टी ने 2 घंटे का प्रदेश व्यापी मौन सत्याग्रह किया। लखनऊ में सपा के सत्याग्रह पर पुलिस ने लाठियां भाजी, वहीं आगरा में शहर इकाई ने शहीद स्मारक पर भारी भीड़ के बावजूद 2 घंटे का मौन सत्याग्रह कर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का, बिगुल फूंकने का संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया। गुरुवार को जहां कांग्रेस ने योगीराज के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, तो गांधी जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में मौन सत्याग्रह कर अपनी ताकत का एहसास सत्तारूढ़ दल को कराया। आगरा में पार्टी महानगर इकाई के मुखिया चौधरी वाजिद निसार के नेतृत्व में सैकड़ों समाजवादियों ने शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह कर योगी सरकार के खिलाफ धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर इन महान विभूतियों को नमन करते हुए समाजवादियों ने इस मौन सत्याग्रह के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया कि वे भले ही उग्र आंदोलन के लिए जाने जाते हों, लेकिन प्रदेश की जनता के हित में वे सत्याग्रह का रास्ता भी अपना सकते हैं। शहीद स्मारक पर 2 घंटे का मौन सत्याग्रह करने के बाद सपा नेताओं ने मीडिया के माध्यम से योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। आज सभी समाजवादी लोग शहीद स्मारक पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का मौन रखने का काम किया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आज सभी समाजवादी लोग 2 घंटे से मौन व्रत पर बैठे थे। इस मौन व्रत पर बैठने की वजह, जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगार हमारे युवा साथी हो रहे हैं करोड़ों की तादाद में, जिस तरीके से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, लूट हो, डकैती हो, चोरी हो, मर्डर हो, महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हो, भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये योगी सरकार प्रदेश को नहीं चला पा रही। आप सब देख रहे हैं कि रोजी रोजगार हर तरीके से फेल हो चुकी है, ना तो कानून व्यवस्था है, ना युवाओं के लिए रोजगार है, ना महिलाओं की बच्चों की सुरक्षा है। तो बस हम यही प्रण काज कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि हम सब अपनी रक्षा खुद करेंगे और इस सरकार को हटाने का मांग रखते हैं कि राष्ट्रपति जी और जो भी हमारे देश के बड़े अधिकारी हैं इसको हटाएं। हम सभी जनता मिलकर 2022 में इसका जवाब देगी कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हम ना हमारे देश की रक्षा कर सके और ना जनता की रक्षा कर सके। पता नहीं लोकतंत्र में सरकार क्या चाहती है और किस तरह अपनी आवाज़ को दबाना चाहती है। हम किसी भी तरह का प्रदर्शन करके अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उसको दबाकर, पुलिस को आगे कर अपनी लाठियां भाजकर उस प्रदर्शन को दबाने का काम करती है। हम यही कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र सरकार को कि इस तरह की हत्याएं बंद हों। अभी लेटेस्ट मनीषा हत्याकांड जो सुलझा नहीं है और कल फिर दोबारा बलरामपुर में एक लड़की के संग दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस पता नहीं किस तरह किसी रूप में भी रुकने का काम नहीं ले रही है और एक विशेष वर्ग की जाति के लोगों को टारगेट बनाकर उन पर कुठारघात करने का काम भी सरकार कर रही है। हर एक ऐसा शहर नहीं बच रहा जहां ये ऐसी घटना सुनने को नहीं मिल रही हो। आप चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे किसान का मुद्दा ले लीजिए, किसान बिल जो पास किया है वो भी किसान विरोधी है जिससे किसानों का हित होगा। आगे भी समाजवादी पार्टी इसी तरह से महापुरुषों की जयंतियों पर और उनकी पुण्यतिथियों पर इकट्ठा होती रहेगी और संदेश देती रहेगी कि समाजवादी पार्टी इन लोगों के माध्यम से इनके विचारों को लेकर लगातार आगे बढ़ेगी और समाज में कोई भी डर और जो भय व्याप्त है उसको होने नहीं देगी और सरकार को नाशनाबूद करके रहेगी। कि इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अंग्रेजों का शासनकाल की तानाशाही चल रही है उस सरकार के विरुद्ध अब समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। अगर आने वाले समय में बेटियों की रक्षा अगर सरकार नहीं कर सकती है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश को संभालने में बिल्कुल ही फेल साबित हुए हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं, संगीन घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश को संभालने में बिल्कुल तरीके से फेल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचार और घोटालों के संबंध में आज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सब लोगों ने इस गहरी और गूंगी सरकार को सिखाने के लिए आज ये सत्याग्रह किया गया है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, ये भी सत्य है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और ये भी सत्य है कि कोविड के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ है इसी सत्य का हम आग्रह करते हैं। इसलिए हमने सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर। डंडे लाठियां बरसाई जा रही हैं, इसी सब
हमारी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए आज हमने 2 घंटे का शहीद स्मारक पर मौन व्रत रखकर सरकार को ये चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हम इस तरीके से इस आंदोलन को उग्र करने जा रहे हैं आज मौन व्रत रखकर कि सरकार अपने हथकंडे को यहाँ से जो हथकंडा इन्होंने अपनाया हुआ है इसको अपना इससे दूर हटाने का काम करें। हमारी सरकार आज मौन व्रत रख के ये दिखा दिया है कि जब तक वहाँ के पुलिस प्रशासन को SC ST के तहत मुकदमा नहीं लिख जाता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इसी बीच हमारे सारे सफाई कर्मचारियों ने भी आज पूरे आगरा में सफाई का कार्य बंद कर रखा है। ये सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। अबला स्त्रियों के साथ वो दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं कि कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज मौन धरना रख के विरोध प्रदर्शन कर रही है और आगे भी इसको जारी रखेगी। जिस तरीके से हाथरस में दलित समुदाय की बेटी के साथ बलात्कार किया गया उसकी रिपोर्ट भी बदल दी गई उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार ने, इस तरीके से दलितों का दमन किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आगरा में समाजवादियों ने मौन सत्याग्रह के बावजूद अपनी ताकत का एहसास शासन और प्रशासन को कराया। वहीं लखनऊ में समाजवादियों के सत्याग्रह पर पुलिस का उग्र रूप भारी पड़ा। लखनऊ में पुलिस ने समाजवादियों पर जमकर लाठियां भांजी जिसमें सपा प्रवक्ता आनंद भदौरिया समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने, किसान बिल को वापस लेने के साथ ही छात्र गरीब नौजवानों को रोजगार देने के लिए आयोजित किए गए सपा के इस सत्याग्रह ने एक तरह से विधानसभा चुनाव 2022 का श्री गणेश कर दिया है। शहीद स्मारक पर समाजवादी पार्टी के मौन सत्याग्रह में उमड़ी भीड़ सत्तारूढ़ दल के साथ ही अन्य विरोधी दलों के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।